गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज हम लोग एक और बार साइड इवेंट क्वेस्ट का सेकंड डे दिख रहे हैं एंड वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है बट मेरे को ऐसा लगा कि इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए। एंड आज का टारगेट है सेकंड इन लाइन का टारगेट है एयर वॉकर एंड ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा तो एक्ट 3.2.6 में जाओगे तो वहाँ पर कहीं पर दिखना चाहिए। कन्फर्म नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम अपोनेंट चेंज होते रहते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने वहाँ पर देखा है कि भाई एयर वॉकर हो तो जस्ट वहाँ पर जाके कंप्लीट कर लो एंड सेकंड इन लाइन वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर जल्दी से ये वाला क्लेम कर लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग एंटर कर पाए। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव है कि ये जो ट्रिकी ट्रीट्स है जहाँ पर हमको 20,000 और उससे लेस वाली रेटिंग के चैंपियंस लेके जाने तो ऐसे वाले ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कैसे करना है। सो बेसिकली यहाँ पर देखो अनलॉक तो नहीं हुआ है, बाहर जाके वापस मैं एंटर करूँगा तो तुरंत ही अनलॉक हो जाएगा। यस देख सकते हो अभी मैं अनलॉक हो चुका हूँ एंड अब जो है मैं अंदर जाके देख पाऊँगा। सो इस वाले 20,000 और लेस मतलब कि आप कोई भी एक चैंपियन लेके जा सकते हो जो ऑलमोस्ट 15-16,000 के आसपास के रेटिंग का होगा एंड देन फिर उसको सपोर्ट करने के लिए 1 स्टार वाली सिनर्जी, 2 स्टार वाली सिनर्जी या तो फिर ऐसा कोई वाला चैंपियन लेके जा सकते हो। बट अगेन हमको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट वो जो है 20,000 तक ही हो, उसके ऊपर एक भी पॉइंट नहीं चाहिए। अगर 20,000 एंड 1 भी है ना तो भी वो जो है काउंट नहीं करेगा, तो जस्ट मेक श्योर कर लेना। तो इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि हरक्यूलिस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड चीज़ कि मेक श्योर करो कि आप ये जो 20,000 एंड लेस वाला कर रहे हो ना तो उसमें एटलीस्ट एक 6 स्टार तो लेके जाओ, मतलब ट्राई यही करो कि एक सबसे बड़ा 6 स्टार ही रखो एंड देन फिर जो आप उसकी सिनर्जी आगे पीछे जो है बिल्डअप करो। ओके उसके बाद अगर देखें तो हरक्यूलिस की सीनर्जी के अंदर मेरे को खास ऐसी ज़रूरत तो है नहीं बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि कौन कौन से चैंपियन लेके जाओ तो ये वाला एक अच्छा सीनर्जी होगी कहाँ की हल्क के साथ। ठीक है अभी मेरे पास 2 स्टार में हल्क अवेलेबल है, वाई नॉट डेफिनेटली, तो उसको लेके जाएंगे। देख सकते हो अभी मेरे पास जो है रेटिंग है 19,578, अभी ऑलमोस्ट मेरी 430 के आसपास जो है मैं रेटिंग ही लेके जा सकता हूँ तो मेरे पास अभी ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये टीम लेके जाऊंगा, लॉक इन कर दूंगा एंड देन फिर एंटर करूंगा। एंड ये थोड़ा बहुत जो है ट्रिकी हो सकता है क्योंकि मेरे को भी नहीं पता अपोनेंट कैसे होंगे कैसे नहीं, इतना डिफ़िकल्ट मतलब सेट हो पाएगा कि नहीं ये मेरे को जो है अंदर जाके ही पता चलेगा। एक दो लोगों का मैंने देखा कि भाई उन लोगों के क्वेस्ट में कैसा दिखा रहा है कैसा नहीं, तो उन लोगों ने तो काफ़ी इजीली यूज़ किया था, किसी एक ने जो है शांगची यूज़ किया था, किसी एक ने निक फ्यूरी यूज़ किया था क्योंकि उसकी 2 हेल्थ है। आपके अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है बट मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है हरक्यूलिस काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि उसके पास इमोर्टैलिटी है, उसके पास सेकेंड हेल्थ है, उसके पास जो है सेकेंड हेल्थ तो नहीं है बट एटलीस्ट उसके पास इमोर्टैलिटी है जिससे वो मरेगा नहीं एंड देन फिर उसके पास डैमेज भी अच्छा खासा है। सो अगेन हमको यहाँ पर जस्ट जाके चांस इट करना है क्योंकि हमको रैंडमली चूज़ करने का ऑप्शन तो मिलेगा ही नहीं, तो व्यू में जाएंगे एंड लेट्स सी वो हमको कहाँ भेजता है। 90% चांस है कि येस ऑफकोर्स अगेन कैंडी वाले पाथ पर ही भेजेगा हमको एंड कैंडी वाले पाथ पर फर्स्ट अपोनेंट है अगेन वही है राइनो एंड राइनो के साथ अगेन ग्लोबल में भी वही है कि ग्लोबल चेंज हुआ है जस्ट मेक श्योर, नहीं ग्लोबल भी अभी के लिए तो वही है कि एनहांस्ड पैरी आर्मर ब्रेक की भाई पैरी करोगे तो सामने वाले अपोनेंट के ऊपर आर्मर ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। एंड ये हरक्यूलिस के साथ ये वाली जो सिनर्जी है ना वो क्या अप्लाई करती है कि जैसे मैं फाइट में एंटर करूँगा ना मेरे 3 चार्जेस ऑलरेडी कंप्लीट हुए होंगे। हम लोग राइनो को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हमको जस्ट पैरी ही करना पड़ेगा, मैं लिटरली भूल चुका था कि राइनो अनस्टॉपेबल हो जाता है। राइनो काफ़ी ट्रिकी अपोनेंट है, आई मीन लिटरली, क्योंकि ना ही हम उसको हिट कर पाएंगे अनस्टॉपेबल की वजह से एंड ना ही हमारा स्पेशल इंटरसेप्ट जो है काउंट होगा, तो इस फाइट में तो ऑलमोस्ट हमको ज़्यादा कोई ये मिलेगा नहीं। देख सकते हो मैंने उसके अनस्टॉपेबल के टाइम हिट किया उसको, कोई बात नहीं डायरेक्ट SP2 ही लॉन्च करते थे, ज़्यादा भी टाइम वेस्ट करने में दिक्कत ही नहीं है एंड अगेन कंटिन्यूस SP2 लॉन्च करेंगे, उसका वेट करवाएंगे एंड कपल ऑफ हिट्स में ये फाइट ख़त्म हो जानी चाहिए। येस ऑफकोर्स वाई नॉट, बट अगर आपके पास 6 स्टार रैंक 3 वाला चैंपियन ना हो या तो फिर 6 स्टार रैंक 2 वाला ना हो तो जस्ट अपना सबसे हाईएस्ट डैमेज डीलर या तो फिर ऐसा चैंपियन आपको जो सारी की सारी फाइट्स में ऑलमोस्ट बचा सके, तो जैसे कि फाल्कन हो गया वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि कोई वो इवेट काउंटर करवाएगा एंड दूसरी सारी चीज़ों को भी काउंटर कराएगा जैसे ही वो आप लॉक ऑन वाली एबिलिटी एक्टिवेट कर देते हो।
निक फ्यूरी जैसे कि मैंने बताया वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसके पास डबल हेल्थ है, ब्लीड है, वो भी इवेंट काउंटर करवाता है। वेनम पूल, यस मार खा रहा हूँ मैं, होना नहीं चाहिए बट लेट्स सी। अगर यस, नाइस, वेरी नाइस, स्पेशल इंटरसेप्ट हो गया, हमको 3 क्रिटिकल बफ मिले, क्रिटिकल रेटिंग वाले बफ, एंड देन जस्ट इसका देखा कितना, मतलब तुरंत ही उसने जो है SP अटैक लॉन्च कर दिया। अगर मैं वहाँ पर ब्लॉक नहीं पकड़ रहा होता ना तो डेफिनेटली वो मेरे को कनेक्ट कर लेता एंड देन फिर दिक्कत देता, बट कोई बात नहीं, फाइट काफ़ी इजीली ख़त्म हो रही है एंड काफ़ी जल्दी से भी ख़त्म हो रही है, तो अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे वेनम के लिए, एंड उसके बाद अगर मिस्टिक चैंपियंस में से आपको कोई कोई लेके जाना हो ना तो मेरे को लगता है कि ब्लैक विडो, क्लेयर वॉइंट, वो भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। उसके पास ट्रिपल इम्यूनिटी है, उसके पास हील है, मतलब वो रीजनरेट कर सकती है, एंड देन फिर उसके पास जो है पॉइजन अप्लाई करने की भी एबिलिटी है, तो वैसे वाले चैंपियंस भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, वाई नॉट। टेक्निकली कोई भी चैंपियंस लेके जा सकते हो। हाँ देखो, ये पता नहीं बार बार मेरी मोर्टेलिटी टिकर करवाएगा, ये करवा ही दी इसने, शायद मेरे को जो एक रिवाइव यूज़ करना पड़ सकता है, बट एनीवेज देखेंगे कि ज़रूरत पड़ती कि नहीं पड़ती। अनब्लॉकेबल कैसा है उसका स्पेशल अटैक, मेरे को लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने मिस कैसे किया वो वाला SP2, बट या एनीवेज हम लोग सर्वाइव कर गए लास्ट वाले फाइट के लिए। अभी मेरे को थोड़ी बहुत हेल्थ तो देनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे पास अभी देख सकते हो ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। डिफीटेड चैंपियन विद SP2, कोई बात नहीं, अभी भी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फिनिश नहीं हुआ है, जब तक कि हमको ये डॉक्टर डूम को ना हरा ले तब तक। एंड अगेन आपके पास जो है कोई भी ऑप्शन है नहीं कि आप बॉस को देख सको या तो फिर पाथ वाली फाइट्स देख सको कि भाई चलो एटलीस्ट हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये वाला ऑप्शन आएगा या तो फिर ये वाला बॉस रहेगा, तो आपको जस्ट रैंडम चैंपियन ही लेके जाना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर क्रिटिकल सेटअप एंड कॉम्बो मीटर वाला है, तो इसको मैं थोड़ा सा हेल्थ दे दूंगा क्योंकि एकदम कम हेल्थ के साथ भी मैं एंटर नहीं करूँगा, क्योंकि डॉक्टर डूम है तो शायद वो नलीफाई कर सकता है अगर मैं डॉक्टर डूम का SP1 टिक से इवेट ना कर पाऊँ, या तो फिर जो है अगर मैं उसका SP2 टिक से इवेट नहीं कर पाया तो डेफिनेटली वो मेरे को इंसिडेंट डिबफ्स अप्लाई कर सकता है एंड वहाँ पर मेरे को फिर दिक्कत देगा, बट एनीवेज यस चल आ जा ले। अभी मैं उसका SP1 बेट करवाऊँगा, यस नाइस, वेरी नाइस, 12 फीट चार्जेस हो चुके, काफ़ी जल्दी से हो चुके, उसने मेरा वो बफ नलीफाई कर दिया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसका SP1 बेट करवाएंगे, ओह उसने नहीं मॉर्टेलिटी टिकर करवा दी, आई वॉज रेडी टू इवेड एंड यस ये जस्ट अभी आपने देखा उसने मेरी इमॉर्टेलिटी को नलीफाई कर दिया। अब मेरे को जक मार के जो है यूज़ करना पड़ेगा, क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो भाई एक रिवाइव ऑफकोर्स, वाई नॉट, वैसे भी एक ओवरफ्लो में पड़ा है, ज़रूरत थी नहीं बट यूज़ करना पड़ा, तो जस्ट इसी के लिए मैं जो है यहाँ पर ऐसे वाले चैंपियन लेके जाने की बात बता रहा था कि भाई एटलीस्ट जिनकी 2 हेल्थ हो जिसकी वजह से वो लोग जो है सर्वाइव कर सके, एंड वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे डॉक्टर डूम के साथ, स्टूपिड डॉक्टर डूम, जस्ट पीछे चला जाना, देखे उसको जैसे हमारे ऊपर शॉक अप्लाई हो जाए जस्ट भागो, दूर भागो, उसके पास ही नहीं खड़े रहना है, अगर खड़े रहेंगे तो तुरंत ही वो हो जाएगा, वो सीधा हैवी अटैक लॉन्च करने के लिए जाएगा, हट साले। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बट अगेन डॉक्टर डूम सबसे जो है मेरे को ऐसा लगे कि डिफ़िकल्ट अपोनेंट हो सकता है, क्योंकि ना ही हम उसको आर्मर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे बफ्स को नलीफाई कर रहा है एंड ऑटोमेटिकली कर सकता है जस्ट बिकॉज उसके पास जो अवेकेंड एबिलिटी है उसकी वजह से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, बाहर जाएंगे एंड होपफुली जो है ये पॉपअप हो जाना चाहिए जिसकी वजह से आप शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, एंड जैसे ही पॉपअप हो जाता है एंड ये वाला गलत पॉपअप है, स्टिल देख लेते, येस एग्जैक्टली देख सकते हो नीचे रैंक 3 रैंक 4 पे ले जाने के लिए जो भी मटेरियल्स है TA3 के अल्फा
NTR6 के बेसिक्स, तो वो हमको मिल चुके हैं। एंड साथ ही साथ ऊपर वाला जो टारगेट था कि भाई हीरो चैंपियंस लेके जाने सिर्फ और सिर्फ, उसका भी एक कंप्लीट हो चुका है। ऐसे हमको जो है 5 कंप्लीट करने हैं टोटल, तो उसमें से एक कंप्लीट हो चुका है। सेम टू सेम आपको जो है दूसरे चैंपियंस लेके जाना है, बट देखेंगे शायद मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। सो या इसको क्लेम कर लेते हैं। एंड या इतना सही था हमारा ऑब्जेक्टिव, सो इतना सही था हमारा वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।